दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर गरिमा हिंद जी के साथ, जो पिछले लंबे समय से अपनी सेवाएं हिंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन और एमडी हैं हॉस्पिटल के, और उसके साथ साथ नई ब्रांच जो है कॉस्मेटिक गैनी वो लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि सबसे जो आजकल एक ऐसी ब्रांच जिसको लेडीज़ जो ढूंढती रहती हैं, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, क्योंकि इसके लिए पहले लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता था, दूर दूर जाना पड़ता था और इस एरिया में नहीं था। आपने जब देखा कि इस एरिया में भी ये सेवाएँ की ज़रूरत है, आप इसके लिए स्पेशल अपनी ट्रेनिंग लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? गायनेकोलॉजिस्ट एक वो डॉक्टर होता है जो पेशेंट की सबसे क्लोज रीच में होता है। एक फीमेल पेशेंट जो और किसी से बात शेयर नहीं कर सकती, वो गायनेकोलॉजिस्ट के साथ अपनी हर तरह की प्रॉब्लम्स शेयर करती है, और सीइंग ऑल द रिक्वायरमेंट, जो पेशेंट्स की डिमांड थी या जो दिक्कतें उनको आ रही थी उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी फिज़िकल बॉडी में, उसके साथ जब वो प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करते थे, तो उसके बाद मुझे लगा कि डेफिनेटली जब इतनी दिक्कतें हैं उनकी लाइफ में, तो उसको एक और तरह से एक वुमेन को होलिस्टिक अप्रोच देनी चाहिए कि सिर्फ एक बीमारी को आपने ठीक कर दिया वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ में उसकी अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ अगर हम अच्छी कर सकते हैं तो उसके लिए ज़रूर हमें ट्राई करना चाहिए। तो दैट इज़ वाई जब मुझे कॉस्मेटिक गायनी का पता लगा तो आई थॉट कि ज़रूर एक कर उसकी डिग्री लेकर पेशेंट्स को और उसका फ़ायदा देना चाहिए। तो आई वेंट फॉर द कोर्स और अब हमने आगे उसकी सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे स्टार्ट करी हैं। सर, कॉस्मेटिक गायन में फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूट्रस के साथ जो वजाइनल पार्ट है, उसके लिए वी टेक केयर ऑफ व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स दैट शी फेसेस देयर, कि जो भी उसको वहाँ पे दिक्कत आती है। द नंबर वन फोरमोस्ट चीज़ इसमें आती है कि हम इसके एक सर्जिकल पार्ट में मैनेज करते हैं, एक नॉन सर्जिकल। सर्जिकल बहुत सालों से हम कर रहे थे, अभी भी कर रहे थे, वी नेवर यूज टू टॉक अबाउट इट, हम हमेशा से करते आ रहे हैं सर्जरीज उसकी, बट कुछ स्टिग्मा सर्जरीज के साथ पेशेंट्स का रहता है कि हम घर पे इन्फॉर्म नहीं कर सकते, हॉस्पिटल इतना स्टे नहीं दे सकते, 24 घंटे का 48 आवर्स का स्टे नहीं दे सकते। सो अब नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी आई है जिसमें ट्रीटमेंट जो है वो लेज़र्स के साथ दिया जाता है। लेज़र्स, मशीन्स या डिफरेंट काइंड ऑफ PRP इंजेक्शंस, उसमें हम उसके लिए कोलेजन फॉर्मेशन बढ़िया करते हैं विद एज, जैसे हमारी बॉडी की स्किन लैक्स हो जाती है, ऐसे ही चाइल्ड बर्थ के बाद कोलेजन फॉर्मेशन बॉडी में कम हो जाता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज कोलेजन की वजह से वजाइनल लैक्सिटी हो जाती है, जिसके साथ फीमेल को और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। अगर इनिशियल स्टेजेस को इग्नोर कर दिया जाए, लेटर ऑन जाके पूरा ऑर्गन प्रोलैप्स कर जाता है, यूट्रस भी नीचे आने लग जाता है, सिस्टोसील हो जाता है, जो यूरिन बैग होता है वो भी नीचे डिसेंड डाउन करने लग जाता है, उसके साथ की लेडीज़ को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। कि जैसे सपोज आप अगर एक सिंपल सी मैं एग्जांपल दूं, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, वो इतना कॉमन है हमारे पेशेंट्स में कि आप जैसे पेशेंट एक रूटीन में चल रहा है, खांसी आ गई या थोड़ी स्नीजिंग हो गई, छिक लिया, या पेशेंट को थोड़ा सा जंप भी कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, उस टाइम पे यूरिन लीकेज हो जाता है। कहने को ये सिंपल सी बात लगती है, बट अब अगर आप उस फीमेल से पूछ के देखें तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर होती है। वो बेचारी इतने उससे आती है कि डॉक्टर साहब ये तो बहुत मेरी इसे ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, मैं कहीं जा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। इसके लिए पहले भी हम सर्जरीज करते आ रहे हैं, तो सर्जरीज या टेप्स जो हम अब यूज़ कर रहे थे, अब इसका ट्रीटमेंट नॉन सर्जिकल है, जिस लेज़र्स आर अवेलेबल, जिसमें पेशेंट को कोई कट नहीं लगवाना, कोई हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत नहीं है, 20-25 मिनट्स की सिटिंग होती है, जो कुछ टाइम पीरियड पे उसको 1 मंथ के टाइम पीरियड पे थोड़ी सिटिंग्स उसको लेनी पड़ती हैं, एंड उसके साथ उसकी मसल्स टाइटनिंग हो सकती है, न्यू कोलेजन फॉर्मेशन होता है, मसल टाइटनिंग हो सकती है, जिसके साथ वो रूटीन की दिक्कतों से फ्री हो सकती है। वजाइनल रिजुविनेशन हमारा बीच में बहुत अच्छा इसमें वजाइनल लैक्सिटी के लिए है, जिसमें जिस पेशेंट को लैक्सिटी ज़्यादा है उसको हम सर्जिकल के लिए ही डेफिनेटली प्रेफर करते हैं, बट जो लिमिटेड लैक्सिटी है, स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको हम लेजर्स के साथ उसकी टाइटनिंग कर सकते हैं। 20-25 मिनट्स चेयर की सिटिंग होती है, वी नॉर्मली अब रिकमेंड कि डिलीवरी हुई या डिलीवरी के बाद जाते जाते पेशेंट को बोलो एक आप सिटिंग लेके चले जाओ, सो इट बिकम्स कंफर्टेबल उसको, उसी वक्त जब गैप हुआ, जब डैमेज हुआ, साथ के साथ आपने रिकवरी फेज पे शुरू कर दिया। तो अगर हम वो उस चीज़ को फॉलो करते रहें तो ओवरऑल आगे जाके क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपका धन्यवाद हमें समझ देने के लिए, और हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब जैसे नए नए प्रोसीजर्स लेके आए हैं, कोई स्टिग्मा नहीं है, आप
आप एक बार एक फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं ये और कॉस्मेटिक वाले हैं, आप इनके साथ फ़ोन पे बात कर सकते हैं, आप इनसे सलाह ले सकते हैं, टाइम लेकर आप इनको दिखा सकते हैं आपकी हर बीमारी का, हर उस चीज़ का जिसके साथ आपको किसी प्रेशर में रहना पड़े, उसका इलाज यहाँ इस हॉस्पिटल में गायनी का है। और डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहेंगे कि ये इतनी बड़ी जो है इस अहमदगढ़ के एरिया में ये इतना बड़ा जो है कोर्स करके आए हैं और लोगों को नई ज़िंदगी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी।